नमस्कार जोहार दोस्तों, बस्तरवासी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारी एक्सप्रेस आज कहीं नहीं जा रही है, हमारी एक्सप्रेस आपको बताएगी बस्तरवासी का जो बस्तर है, बस्तर के बारे में एक टूर गाइड देगी आपको, कब आए, कैसे आए, कहाँ रुकें, कहाँ जाएं, कहाँ कहाँ घूमें, उसके बारे में पूरी जानकारी, किस समय आएँ, किस जगह पे कितने दिन रुकें, कौन कौन से साधन के द्वारा हम वहाँ पहुँचे और साथ में कितने पैसे खर्च हो सकते हैं, कौन से लॉज हैं, कैसे हैं, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी अगर बाहर के हैं और बस्तर के किसी स्थान पर आ रहे हैं तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। अगर असुविधा होती है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं खुद पर्सनली उसे दूर करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मेरे साथ, जो नए हैं सब्सक्राइब करिए, जो पुराने हों वो लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करते तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं बस्तरवासी के इस एपिसोड को, बस्तर टूर गाइड के एपिसोड को। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित बस्तर एक जिला ना होकर 7 जिलों का समूह है, जिसे हम संभाग, मंडल या जोन कह सकते हैं। यह एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जो कि केरल राज्य से भी बड़ा है और भारत के कुल 10 राज्य से छोटे हैं। बस्तर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिस तरह से हम भारत के उत्तर में कश्मीर में जाके बर्फ़ देख सकते हैं, राजस्थान में हम रेत देख सकते हैं, दक्षिण में केरल में जाके हम झीलों को देख सकते हैं और नौकायान का आनंद ले सकते हैं, उसी तरह गोवा में हम समुद्र भी देख सकते हैं, खूबसूरत बीचेस हैं वहाँ पे, उसी तरह बस्तर जो है यहाँ पे हम भयंकर बड़े और घने जंगलों का आनंद ले सकते हैं, बड़े बड़े वाटरफॉल हैं और यहाँ की गुफाएं भारत की सबसे बड़ी गुफाओं में आती हैं। तो बहुत कुछ है बस्तर में देखने के लिए और आजकल सैलानी यहाँ पे आ भी रहे हैं, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का मैं वेलकम भी करता हूँ कि आप बस्तर आइए, देखिए। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप जब भी बस्तर आएँगे तो आपको घूमने में समस्या कम होगी, और अगर होती है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर मैं उपस्थित हो सका या मैं कुछ आपकी मदद कर सका तो मैं ज़रूर करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बस्तर के पर्यटन स्थलों के बारे में, कब आए, कहाँ आए, कैसे आए और कौन कौन से पर्यटन स्थल यहाँ के फेमस हैं, वो सब आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर बस्तर आप आना चाहते हैं तो आप क्या क्या देख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर बस्तर जो आने का प्लान करता है तो उसका सबसे पहला तो रहता है चित्रकूट तीरथगढ़ वाटरफॉल और कुटुम्बसर केव। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आसानी के साथ आप कौन कौन सी जगहों को देख सकते हैं। तो बस्तर देखने के लिए कोई भी सैलानी आता है तो उसके 4 पॉइंट रहते हैं। सबसे पहले तो वाटरफॉल, केव्स, घने जंगल और आदिवासियों का सभ्यता, संस्कृति। तो मैं आपको बता दूं, जो वाटरफॉल है चित्रकूट तीरथगढ़ तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑल ओवर इंडिया में लोग देखने आते हैं। उसके साथ साथ आप आसानी से तामड़ा घूमड़, मेंद्री घूमड़, झारा लावा, नाम्बी, फूल पहाड़, ऐसे कुएं मारी, चर्रे मरे, ऐसे ये वाटरफॉल बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, यहाँ तक पहुँच सकते हैं बहुत आसानी से, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। साथ जो गुफाएं हैं उसमें जो है कुटुम्बसर, दंडक गुफा, आजकल मांदरकोंटा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है, साथ ही कैलाश गुफा, ये सब कांगेर वैली नेशनल पार्क के आसपास आपको मिलेंगे। साथ ही आप जो घने जंगल देखेंगे उसमें कांगेर वैली नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है, उसे भी देख सकते हैं। तीरा माचकोट के घने जंगल जगदलपुर से 10 किलोमीटर में चालू हो जाते हैं, जनरली आप जा सकते हैं, और लगभग तो पूरा बस्तर ही जंगल है, आप जहाँ जाएंगे आपको जंगल मिलेंगे ही। साथ ही आदिवासी सभ्यता संस्कृति की बात कर लूँ तो बस्तर का जो दशहरा है वो वर्ल्ड फेमस है, 75 दिनों तक चलता है और बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट है बस्तर का, उसमें आप पूरे बस्तर के दर्शन जगदलपुर शहर में ही कर सकते हैं। साथ ही अलग अलग मड़ई मेले होते हैं, जिसमें दंतेवाड़ा की फागुन मड़ई, नारायणपुर की मड़ई और भी छोटे छोटे कई सारे मड़ई मेले हैं आदिवासियों के, जिनका टाइमिंग फरवरी से लेके मई जून तक रहता है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों, बस्तर ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध है। बस्तर के जो बारसूर की जो नगरी है वो लगभग 11वीं शताब्दी में बसाई गई, काफ़ी सारे पुराने मंदिर वहाँ पे हैं जिनका रिस्टोरेशन किया गया है। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर जो है धार्मिक रूप से काफ़ी महत्व है और ऐतिहासिक रूप से भी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर है, बहुत सारे सैलानी
उनके दर्शन के पश्चात ही बस्तर यात्रा प्रारंभ करते हैं। जगदलपुर का दलपत सागर लेक जो 17वीं शताब्दी में बना खूबसूरत बड़ा सा एक झील है, उसके अलावा जगदलपुर का आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम और जगदलपुर में एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम जो कि पूरे भारत में मात्र 3 ही म्यूज़ियम है, आप वहाँ भी घूम सकते हैं। तो अगर आप बस्तर आना चाहते हैं तो सबसे सही समय जो है वो है जून से लेके लगभग अप्रैल तक का समय, लेकिन अलग अलग जगहों में अलग अलग समय। जैसे आप अगर जलप्रपात घूमना चाहते हैं तो आप जून से लेके जनवरी फरवरी तक घूम सकते हैं। अगर आपको गुफाओं को देखने का में अगर बहुत ज़्यादा रुचि है तो गुफाएं जो हैं नवंबर से ओपन होती हैं और पूरा जून तक रहती हैं। अगर आप आदिवासी संस्कृति सभ्यता पे रुचि रखते हैं तो आप अक्टूबर से लेके पूरे मई जून तक आप वो आदिवासी सभ्यता संस्कृति के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप जंगलों में घूमना चाहते हैं तो 12 महीने आप कभी भी जा सकते हैं। अलग अलग समय पे जंगलों का अलग अलग रूप रहता है, पतझड़ में अलग रहते हैं, बरसात में अलग रहते हैं। दोस्तों यातायात के साधनों के बारे में बता दूं कि बस्तर जो जल थल नभ हर साधन से आ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र जल बंदरगाह जो नदी पर स्थित है कोंटा में बस्तर में स्थित है। हालांकि जगदलपुर में रेलवे स्टेशन है जहां से आप पूर्वी भारत दक्षिणी भारत जिसमें कलकत्ता भुवनेश्वर राउरकेला जमशेदपुर विशाखापट्टनम आदि शहरों के लिए एक्सप्रेस गाड़ियाँ और ट्रेन सेवा उपलब्ध है। जगदलपुर में बस्तर का एकमात्र विमानतल है, छत्तीसगढ़ का दूसरा विमानतल है, जिसके द्वारा आप हैदराबाद रायपुर नई दिल्ली के लिए विमान सेवाओं से आप आना जाना कर सकते हैं। जगदलपुर का अंतर्राज्यीय बस अड्डा है जहां से आप तेलंगाना आंध्र प्रदेश उड़ीसा बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लगभग सभी बड़े शहरों में आप बस के द्वारा यात्रा कर सकते हैं। तो ये रही यातायात की जानकारी। अब आपको बता दूं होटलों के बारे में, जगदलपुर में काफ़ी बड़े होटल हैं, हर तरह के होटल हैं और आपको काफ़ी अच्छी एकोमोडेशन मिल सकती है उसमें। तो होटलों के बारे में बता दूं प्रमुख होटल हैं यहाँ पे, होटल आकांक्षा, होटल अविनाश इंटरनेशनल, नमन बस्तर, देवांश रेसिडेंसी, साथ ही बिनाका रेसिडेंसी एक नया ओपन हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे रिसॉर्ट हैं, चित्रकूट का रिसॉर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और उसका ऑनलाइन बुकिंग छत्तीसगढ़ टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा होती है। दंतेवाड़ा में भी एक ऐसा ही रिसॉर्ट विकसित किया गया है छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा, साथ ही कोंडागांव में भी एक ऐसा ही रिसॉर्ट और कांकेर के पास भी एक ऐसा ही रिसॉर्ट विकसित किया गया। तो ये सब ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे होटल हैं और लगभग सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों में आजकल जो सरकार के द्वारा होम स्टे की सुविधा जो विभिन्न समितियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई है वो भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप लोग 3 से 4 लोग हैं और बस्तर घूमना चाहते हैं तो 15 से 20 हज़ार का खर्च आएगा, जिसमें एक गाड़ी आप हायर करेंगे और 2 दिन रुकने के लिए लॉज रहेगा और अच्छे से अच्छा खाना। और अगर आप सोलो ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हैं, सोलो ट्रैवलर हैं, तो ये खर्चा आपको 5 से 6 हज़ार रुपये का होगा और जगदलपुर से आप बाइक हायर करके ये काम कर सकते हैं। दोस्तों बस्तर में आप अपनी यात्रा का प्रारंभ जगदलपुर शहर से करें, दंतेश्वरी मंदिर से दर्शन करके आप एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम देखते हुए चित्रकूट जा सकते हैं। चित्रकूट के बाद तांबड़ा घूमड़ महेंद्र घूमड़ होते हुए आप सातदार देखते हुए बारसूर के ऐतिहासिक नगरी देखते हुए प्रथम दिवस की यात्रा का समापन आप दंतेवाड़ा में कर सकते हैं और दंतेश्वरी माता मंदिर दर्शन करते हुए, साथ ही दूसरे दिन की यात्रा आप चाहें तो फूल पहाड़ बैलाडीला की पहाड़ियों से करते हुए तीरथगढ़ चले जाइए, वहाँ पे कुटुम्बसर दंडक गुफा कैलाश गुफा या मादर कोंटा जैसी गुफाओं को देखते हुए आप जगदलपुर आ सकते हैं। शाम जगदलपुर में दलपत सागर में बिताना बहुत अच्छा रहेगा। तो ये 2 दिन के शॉर्ट पीरियड में अगर आप बस्तर को देखना चाहते हैं देख सकते हैं, तीसरे दिन आप वापसी भी कर सकते हैं। पर बस्तर देखने के लिए बहुत कुछ है, आप चाहें तो 365 दिन भी रहें तो इसे पूरा नहीं देख सकते हैं, इतना विशाल है। तो तीसरे दिन का अगर आपके पास प्लान है तो आप केसकाल क्षेत्र में जा सकते हैं और वहाँ पे कुएमारी टाटामारी जैसे खूबसूरत जगहों को देख सकते हैं, केसकाल घाटी को देख सकते हैं, या आप बीजापुर तरफ जाके नीलम सरई और नामबी जैसे खूबसूरत स्थलों को देख सकते हैं। तो आपकी सुविधा ऊपर निश्चित करेगा कि आप किस क्षेत्र से आ रहे हैं, किस तरफ से आ रहे हैं, कौन से रास्ते से आ रहे हैं, कौन से साधन से आ रहे हैं वो। साथ ही बस्तर में अगर आप एडवेंचर टूरिज्म के शौकीन हैं तो बस्तर आपके लिए स्वर्ग है। आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो खूबसूरत जलप्रपात है जहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, जिसमें से शिव गंगा
शिवगंगा वाटरफॉल है, साथ ही प्रतापगिरी का वाटरफॉल है, बीजाकसा आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। उसके साथ ही आप चाहें तो बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे अगर आप ट्रैकिंग करना चाहें तो मिचनार आजकल काफ़ी लोग जा रहे हैं, बलाडीला की तरफ भी काफ़ी पहाड़ियाँ जहाँ आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा जंगलों में तो आप काफ़ी जगह जा सकते हैं। गुफाओं की ओर अगर आप ट्रैकिंग करके जाना चाहते हैं तो महादेव गुफा, मादरकोंटा गुफा, ऐसे काफ़ी सारी गुफाएँ, तो वहाँ भी जा सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी बस्तर आते हैं, जो दो दिन का जो मैंने रूट बताया उसके अलावा दो दिन और लेके आएँ, कम से कम चार दिन यहाँ बिताएं। एक दिन आप जगदलपुर के आसपास और जगदलपुर शहर को देखें, साथ ही एक दिन आप एडवेंचर टूरिज्म के लिए जरूर निकालें। उसमें मैं एक जगह आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, वो है हांदावाड़ा का वाटरफॉल। इसे बाहुबली का जल पर्वत भी कहेंगे तो कोई गलत नहीं है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी ज़बरदस्त जगह है, एडवेंचर टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट जगह है। अबूझमाड़ में भी आती है, हर खूबी लिए हुए है। आप जब जाएंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सही सजेस्ट किया था कि नहीं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब जो भी जगह मैंने बताई है, यहाँ तक जाने के लिए आपको जगदलपुर से टैक्सी हायर कर सकते हैं। जगदलपुर से 30-35 किलोमीटर की जो जगह हैं, जैसे चित्रकूट, तीरथगढ़, कुटुमसर केव, तो यहाँ पे आपको ऑटो तक भी मिल जाएगी, बसें भी चलती हैं, आप आराम से जा सकते हैं। कुटुमसर और कांगर वैली घूमने के लिए आपको कांगर वैली नेशनल पार्क के पास ही जिप्सी भी उपलब्ध है, उसमें आप जा सकते हैं, तो सब सुविधाएँ हैं। दंतेवाड़ा का मंदिर आप जाना चाहें तो आपको बस 2400 घंटे उपलब्ध है, बस में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप आएँ तो इन सब जानकारियों को आप एक बार देख लें, और आपको अगर थोड़ा सा भी सहायता होती तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो ने आपको सहायता की बस्तर घूमने में। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम, कैमरों को आराम देता हूँ, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक ले जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी।